दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आगे हूं आपके लिए एक और इंडिपेंडेंट फ्लोर लेके। 135 गज में बना हुआ 3 BHK फ्लोर रहने वाला है। और आप एक बार देखिए इसका एलिवेशन, बहुत प्यारा एलिवेशन है। वुडन टाइल के साथ बहुत प्यारा इसको सजाया गया है। अंदर से भी आपको ये बहुत बड़ा दोस्तों फ्लैट मिलने वाला है। लोकेशन बिल्कुल पटियाला हाईवे के साथ मिलने वाली है। कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। नीचे आपको इसकी स्टिल्ट पे पार्किंग मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक डेडिकेट लिस्ट और भी मिल जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपकी आराम से दोस्तों 6 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। दो दो दोस्तों आपकी गाड़ी पॉकेट में देखिए आगे तक पार्क हो जाएंगी। और यहीं पे आपको स्टोर भी मिल जाता है। तो ये मैं आपको स्टोर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। और ये देखिए, स्टोर का जो साइज़ रहने वाला है वो है 8x6 का। तो अगर आप दोस्तों कम बजट में 3 BHK देख रहे हैं, वो भी बड़ा साइज़, आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें। और ये देखिए, आप देखिए एक बार स्टोर का साइज़, 8x6 इसका साइज़ रहने वाला है। बड़ा साइज़ है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना दोस्तों इसको सर्वेंट रूम यूज़ कर सकते हैं, स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। बहुत छोटा छोटा सामान होता है, बच्चों की साइकिल है, आप अपना और घर का दोस्तों छोटा मोटा सामान रखना चाहते हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन बिल्कुल पटियाला हाईवे के साथ। तो बिना देरी करिए चलिए करते हैं आज का हमारा सैंपल का टूर। तो ये हम पहुंच चुके दोस्तों एक और सैंपल फ्लैट में। और ये जो दोस्तों हमारा फ्लैट है 135 गज में बना हुआ है। और एंट्रेंस पे देखिए बहुत बड़ा आपको ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है, हैवी डाउन सीलिंग के साथ मिलने वाला है। और ये जो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का साइज़ है इसका जो 22x19 रहने वाला है, बहुत बड़ा ड्राइंग डाइनिंग। टीवी कैबिनेट आपको मिल जाएगा और नीचे डबल 4x5 टाइल्स लगी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो एक बार फिर से देखिए इसका पूरा व्यू, हैवी डाउन सीलिंग के साथ है। और इस घर में दोस्तों ऑलरेडी क्लाइंट ने रहना शुरू कर दिया है, तो फिर भी हम, क्योंकि सैंपल फ्लैट भी सोल्ड हो चुका है, तो फिर भी हम इसकी वीडियो लेके आ चुके हैं। ये इसकी एल शेप में आपको किचन मिल जाएगी। 12x7 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और ये देखिए व्यू आप अपने किचन के, और बिल्कुल यहीं से हमारा आ जाता है पहला बेडरूम। और इससे पहले देखिए आप पूरे लिविंग कम डाइनिंग एरिया के व्यू। तो बिल्कुल इसी के साथ दोस्तों कनेक्टेड हमारा आ जाता है पहला बेडरूम। तो चलिए चलते हैं बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम के अगर मैं साइज़ की बात करूं, 11x10 इसका साइज़ रहने वाला है। और ये देखिए इसका पूरा व्यू। वॉशरूम इसके साथ आपको कनेक्टेड मिल जाता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वॉशरूम का व्यू। और ये देखिए ये आपको अटैच मिलता है। इसका जो साइज़ रहने वाला दोस्तों 6x4 इसका साइज़ रहने वाला है। रूफ हाइट से टाइल्स लगी हुई है, तो सीलन पकड़ी का कोई भी इशू नहीं है। वॉल है, आपकी सीट आ जाती है और आपको टीवी पैनल मिल जाता है। और इसका देखिए व्यू, इसमें आपको डाउन सीलिंग अगेन हैवी वाली तो मिली जाती है। UPVC के साथ आपको सारी बालकनीज की दोस्तों एंट्रेंस एग्जिट मिलता है। और ये हमारी आ जाएगी फ्रंट में बालकनी। और इस बालकनी के साइज़ की बात करूँ, 11x4 इसका साइज़ रहने वाला है। और जितना भी दोस्तों बालकनी की दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लास मिल जाता है, विद स्टील रेलिंग मिलने वाला है। तो ये था व्यू हमारा पहले बेडरूम का। इसमें दोस्तों हमारे पास जो ये कॉर्नर यूनिट है, इसमें अवेलेबिलिटी भी है। आप भी अगर अपने घर का सपना सच करना चाहते हैं तो एक बार इसको ज़रूर चेक कर लें। इसकी सारी प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये देखिए व्यू हमारे ड्राइंग एरिया के, डाइनिंग एरिया के। और ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है 12x11 का। और बहुत हैवी आपको देखिए डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और ये आपको घर सेमी फर्निश मिलने वाला है, कोई भी फर्नीचर इंक्लूड नहीं रहने वाला। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों आपके वार्डरोब, ये आपके इंक्लूड रहने वाले हैं। और इस रूम के साथ आपको कनेक्टेड मिल जाएगा वॉशरूम। और इस वॉशरूम के अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 6x6 का। रूफ हाइट तक आपको टाइल्स मिल जाती हैं, सीलन पपड़ी का कोई भी इशू नहीं है। तो आप भी अगर अपने घर का सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार हमें कॉल करें, क्योंकि हमारे पास दोस्तों हर जगह इन्वेंट्री अवेलेबल रहती रहती है। तो ये आगे हम फिर से हमारे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। और यहीं से हमारा एक्सेस आ जाएगा थर्ड बेडरूम का। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 12x11 का। तो आप इसमें देखिए टीवी पैनल, डाउन सीलिंग आपको बहुत हैवी इसमें मिल जाती है। और वार्डरोब अगेन आपको रूफ हाइट तक मिल जाएंगे, ड्रेसिंग आपको टेबल मिल जाता है। पूरा घर दोस्तों, घर में आपको AC की कूलिंग मिल जाएगी, स्प्लिट AC की कूलिंग मिलती है। और अगेन इसके साथ आपका कनेक्टेड आ जाएगा वॉशरूम।
अगर मैं इस वॉशरूम के साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है 6x6 का, और इसी रूम से आपको एक्सेस मिल जाता है रियर कोर्ट यार्ड का, और रियर कोर्ट यार्ड का जो साइज़ रहने वाला है वो है 8x6 का। तो ये था दोस्तों, यहीं पे आपको टैप की प्रिज भी मिल जाती है, आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ लगा सकते हैं। तो ये था हमारा 135 गज में बना हुआ 3BHK बिल्कुल पटियाला हाईवे के पास। आप भी दोस्तों देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और विजिट प्लान करें। आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले कर लें, और ताकि दोस्तों आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।